डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। जनपद महाराजगंज के विकासखंड निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा बैठोलिया में निचलौल बैठोलिया का मुख्य मार्ग टूटकर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और नहर नाले की तरह दिखाई दे रहा है। यह कोई आम रास्ता नहीं है, यह रास्ता निचलौल से नेपाल बॉर्डर तक जुड़ा हुआ है। इस रास्ते से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। अब अहम मुद्दा यह है कि जब रास्तों का नवीनीकरण किया जा रहा है तो ऐसे में इस रास्ते पर किसी का ध्यान क्यों नहीं है? क्या यह रास्ता राजनीति की आग में स्वाहा हो चुका है? क्या इस रास्ते पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है? क्या इस रास्ते से वो तमाम वादे करने वाले नेता नहीं गुजरते हैं? क्या अधिकारियों का इस रास्ते से आना जाना नहीं होता, जबकि इस रास्ते में केवल जलजमाव ही नहीं, जलजमाव में छिपे खतरनाक गड्ढे भी हैं जो हर पल बड़े खतरे को दावत दे रहे हैं। ऐसे हालत में जिम्मेदारों का मौन रहना क्या साबित करता है? कब तक इस क्षेत्र के लोगों को भय के साथ इस रास्ते पर चलना होगा? इन सभी सवालों का जवाब कौन देगा? पूरे क्षेत्र में इस रोड को लेकर चर्चा गर्म है। इस क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। हम जानना चाहते हैं कि इस रोड का स्थिति क्या है, आप लोग बता सकते हैं? सर, रोड का स्थिति बहुत गड़बड़ है। रोड इतना टूटा हुआ है कि बरसात में चलना बहुत मुश्किल है। और इतना रोड टूटा हुआ है, इस रोड टूटने की वजह से जो है हम लोग की गाड़ी भी बहुत ख़राब होती है और जो पैसेंजर बैठते हैं वो जंप मारती है। और स्कूली बच्चे भी बैठते हैं तो भाई वो बच्चे अपना शरीर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खड्डा होने की वजह से हमारी गाड़ी ज़्यादा झूल मारती है। कभी तो अक्सर ऐसा होता है उनके सर में चोट लग जाता है और खुल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है भाई कि गिर भी जाते हैं। ऐसा बहुत बड़ी दिक्कत है। और हमारे रोड पर जो है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इतना सारा दिक्कत है, पानी लगा हुआ है, लोग पैदल नहीं चल पाते हैं, गाड़ी की बात बहुत दूर है। ये तो रोड बनने वाली थी, क्या हुआ बीच में कि? अब ना जाने तुम्हें क्या हुआ, अब ठेकेदार समझे और हमारे यहाँ के विधायक लोग हैं वो समझें कि ये रोड क्यों नहीं बन पा रही है, अब उन लोग में क्या दिक्कत है, अब ये बात वही लोग जाने। हाँ, आपका नाम क्या है भैया? सुरेंद्र चौहान। तो आपका मतलब इस रोड के बारे में क्या? सड़क गड्ढा है, कीचड़ है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, प्राइमरी स्कूल में है, बच्चे गिर जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बगल में कचरा है, ननारी साफ है, तो कुछ है या कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो तो आप खुद देख सकते हैं, कैमरे में आप खुद देख सकते हैं स्कूल के सामने गेट पे कितना मतलब कचरा है और पानी लगा हुआ है। स्कूल से बच्चे जब आते हैं तो भाई उनको बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। देख लीजिए आप यहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ रोड किस तरह से रोड का टूटा हुआ है। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहाँ खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।